मैंने तो बहुत सारी झूठे झूठे आधारित पर बनी फिल्में तो बहुत ही देखे होंगे और उनको हिट करते हुए भी देखे होंगे और आपने ताले भी बहुत बजाई होगी दोस्तों वैसे वैसे फिल्मों के लिए जो कि किसी काम के लिए नहीं थे। लेकिन मैं आज एक ऐसी मूवी के बारे में जो बात करने वाला हूँ जो आपको दिल झंझकोर करके रख देगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ द कश्मीर फाइल्स के बारे में। जिसे जिसने भी देखा इस मूवी को उसका दिल से आंसू निकलता हुआ नज़र आया। जी हाँ दोस्तों, आँख से आंसू उसका निकलते ही नज़र आए हैं दोस्तों। इस मूवी को आप ज़रूर देखे जाए और अपने परिवार को भी पूरा देख लाए दोस्तों कि किन किन जिहादियों ने हमारे साथ हिंदू को कैसे कैसे उन लोगों से बर्बरता की गई है। इस फिल्म को रिलीज ही तक के नहीं होने दिया था दोस्तों। इस फिल्म को प्रमोशन तक के नहीं करने दिया जाता था। प्रमोशन करने के लिए बहुत से बड़े बड़े फिल्म के आए थे दोस्तों, लेकिन जब मैंने दो फिल्में देखी तो दोस्तों, एक लगी हुई थी राधे श्याम और एक मूवी रिलीज हुई थी द कश्मीर। द कश्मीर फर्स्ट शो में फुल नहीं जा रही थी दोस्तों मूवी, क्योंकि उनको वह प्रमोशन के वजह से, लेकिन राधे श्याम प्रमोशन के वजह से वह फिल्म बहुत भीड़ जा रहे थे। लेकिन राधे श्याम में कुछ खास तो दिखाए नहीं दोस्तों, वैसे तो खास नहीं, मैंने भी नहीं गया था, तो मैंने दूसरे दिन उसको बाद देखा और मूवी देखने के बाद ऐसा फीलिंग हुआ दोस्तों कि मेरे आँख से आंसू तक के रुक नहीं रहे थे दोस्तों। लास्ट में कैसे हमारे हिंदुओं के साथ बर्बरता की जाती थी उन कश्मीरियों मुसलमानों के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा, और कांग्रेस चुपचाप देखते रहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों जिसे इस मूवी या इस कहानी को पूरा सच्चे दिल के सामने जो रखा हुआ है। ये बोलिए एक कहानी नहीं या मूवी नहीं बोलिए, एक रियल सच्ची घटना है दोस्तों, घटना है। मैंने जब यह मूवी को देखा था दोस्तों, मेरे आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। आप देखिएगा दोस्तों, आपके भी आँख में आंसू जरूर आएंगे, चाहे आप कितनी कट्टरता से भरे क्यों ना हो, आपके आँखों में जरूर आंसू आएंगे। क्योंकि इस मूवी में बहुत सी चीज़ें ऐसे दिखलाए गए हैं कि एक महिला को बीच से ही उसको काट दिया जाता है खड़े करके, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है। इसमें से नहीं किसी औरत को समझा जाता, नहीं बच्चों को, सभी को मार दिया जाता दोस्तों, कितनी कट्टरता के साथ। जिस हिंदू ने अपने माथे पे तिलक लगाए हुए रहते हैं उनके माथे पर गोली लगा दिए जाते हैं, उनके माथे को दाग दिए जाते हैं, उसी गोली के आर पार कर दिए जाते हैं दोस्तों। द कश्मीर फिल्म की तरह मत देखिएगा, ये एक रियलिटी है दोस्तों। यदि हम आज नहीं बदलेंगे, यदि हम आज हिंदू इसी तरह सोते रहेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में हिंदुओं किसी तरह खात्म होती रहेगी। अनुपम खेर जी ने इस मूवी में बतला भी दिए हैं साफ साफ, जिस प्रकार कश्मीर आज जल रही है उसी प्रकार आने वाले समय में हिंदुस्तान भी इसी तरह जलेंगी यदि हम इसी तरह सोते रहेंगे तो। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मणों की ही नहीं या पंडितों की नहीं हत्या की गई है, इसमें चाहे दलित हो, गुज्जर हो, ब्राह्मण हो, मतलब अनेक तरह की जातियों को भी इसमें दिखलाया गया है। किस तरह से मार किया जाता है, उनको कन्वर्ट कराया जाता है मुस्लिमों धर्म में, किस तरह से उनकी औरतों को अगवा करके उनसे निकाह कर लिया जाता है, उनके बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, बहुत सारी चीज़ इस मूवी में दिखलाया गया है दोस्तों। इस मूवी को रिलीज होने नहीं दिया जा रहा था दोस्तों। इस मूवी को कोई डायरेक्टर ने या किसी ने भी प्रमोशन नहीं करने दिया जा रहा था, जो कि हमारे बहुत बड़ा बड़े स्टार होते हैं, जो खान के नाम से जानते हैं हम लोग। इस मूवी को अब हम लोग ही प्रमोशन करके दिखलाएंगे दोस्तों कि हम लोगों को रिलीज के कितने इनकम होती है, और विवेक अग्निहोत्री जी जिनके इस फिल्म के निर्माता हैं, उनको बुलंदियों तक कैसे पहुँचाना है सब। हमारे बीच वो ऐसा ही मूवी या सच्चाई ला कर रखते रहे, बस हम लोग यही चाहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग भी अपने परिवारों के साथ ये मूवी जरूर देखने जाए और देखें कि कश्मीर की सच्चाई के बारे में। यदि हम आज इसी तरह सोते रहेंगे दोस्तों, तो आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरह, जिस प्रकार कश्मीर जल रहा था उसी प्रकार पूरा हिंदुस्तान जलेगा। इसीलिए आप अपने पूरे फैमिली के साथ ये मूवी जरूर देखने जाए, अपने घर के लड़कियों को भी दिखाएं जरूर। तो आप लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप हमें अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।